Assalamualaikum everyone, this is Bilal from Video Wali Sirka और आज की इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे मिड रेंज मोबाइल फोन्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने 30,000 से लेकर 40,000 के प्राइस टैग में कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और अगर आपने कोई भी मोबाइल फोन खरीदना है तो उसमें आपको क्या फायदे मिलेंगे और क्या नुकसान होंगे। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार 40,000 का प्राइस टैग मिड रेंज नहीं है तो आप इसको मिड रेंज प्राइस टैग क्यों कहते हैं। वेल रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की प्राइसेज हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं और जो टैक्सेज हैं वो भी ज़्यादा लगा दिए गए हैं तो पाकिस्तान की जो मिड रेंज है वो नाना करते भी 30,000 से 40,000 की रेंज में पहुंच चुकी है। अब मिड रेंज में ऐसे मोबाइल फोन्स को कंसिडर करता हूँ जिनको अगर आप परचेज करेंगे तो आपको काफ़ी हायर एंड मोबाइल फोन्स वाले फीचर्स मिल जाएंगे और उनकी जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली लो होगी। अब मुझे ये बात ज़रूर पता है कि 40,000 कम पैसे नहीं होते लेकिन अगर आपने एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है जो कि आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करे तो किसी भी कंपनी की तरफ से आप मोबाइल फ़ोन बाय करें जो 30,000 से 40,000 का प्राइस टैग है इस टाइम पर वो सबसे अच्छे मोबाइल फ़ोन्स के साथ आता है। अब आज की इस वीडियो के अंदर जिन फ़ोन्स को हम कंपेयर करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है हुआवे का Y9, ओप्पो की तरफ से हमें देखने को मिलता है ओप्पो का A7, वीवो की तरफ से हम चेक करने वाले हैं वीवो का Y95 और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं शाओमी की तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है शाओमी नोट 6 प्रो और इसके अलावा नोकिया की तरफ से नोकिया 6.1 प्लस। इन सब मोबाइल फोन्स के अंदर जो मेन चीज़ कॉमन है वो ये है कि इनके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 30,000 से लेकर 40,000 के प्राइस टैग के अंदर आते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली चीज जो कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर मैं कंपेयर करना चाहूंगा वो इनकी बिल्ड क्वालिटी है। अब बिल्ड क्वालिटी वाइज जो मोबाइल फोन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है इस प्राइस टैग के अंदर वो दो हैंडसेट्स हैं, नोकिया का 6.1 प्लस और शाओमी का रेडमी नोट 6। ये दोनों ही मोबाइल फोन्स आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नोट 6 की बात करते हैं तो वहां पर आपको मेटल बॉडी डिजाइन मिलता है जबकि अगर आप बात करते हैं नोकिया 6.1 प्लस की तो वहां पर आपको ग्लास सैंडविच डिजाइन मिलता है जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग में सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है और सबसे ज़्यादा सॉलिड है। इसके अलावा अगर आप बाकी फ़ोन्स की बात करते हैं तो ओप्पो, वीवो और हुआवे की तरफ से जो भी हैंडसेट्स आते हैं वो नॉर्मली प्लास्टिक बॉडी के अंदर आते हैं तो बिल्ड क्वालिटी वाइज वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर वो है डिज़ाइन। और डिज़ाइन वाइज अगर आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स को तो ओप्पो और वीवो की तरफ से आने वाले दोनों हैंडसेट्स में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। अब ये जो डिज़ाइन है देखने में काफ़ी ज़्यादा स्लीक लगता है और इसकी ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसके अलावा जो Y9 है उसके अंदर भी आपको काफ़ी खूबसूरत लुक देखने को मिलती है क्योंकि उसके फ्रंट साइड पर आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, बैक पर भी ड्यूल कैमरा है और उसके जो कलर कम्बिनेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप बात करेंगे डिज़ाइन की तो पर्सनली मुझे ये जो बाकी तीनों फ़ोन्स हैं ओप्पो, वीवो और हुआवे की तरफ से ये नोकिया 6.1 प्लस और शाओमी की निस्बत बेहतर लगे हैं। अब शाओमी के डिज़ाइन के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि उसका डिज़ाइन एक तो आईफोन से काफ़ी हद तक कॉपीड है और दूसरी बड़ी मुसीबत ये है कि शाओमी ने काफ़ी टाइम से इसको अपडेट नहीं किया तो शाओमी के फ़ोन सारे ही एक जैसे लगते हैं और यही वजह है कि उसका जो डिज़ाइन है वो मुझे इतना खास नहीं लगता। तीसरी कैटेगरी जिनके अंदर मैं इन मोबाइल फ़ोन्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ वो परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस के अंदर जाकर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको मेजर जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब हैंड्स डाउन अगर आप सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं 40,000 के नीचे वाले प्राइस टैग के अंदर तो हुआवे का जो Y9 है वो डेफिनेटली बाकी सारे फोन्स की निस्बत आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तब भी वो बेटर है, आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तब भी वो बेटर है और अगर आप बात करते हैं AI की कैपेबिलिटीज़ की तब भी हुआवे का जो Y9 है वो आपको काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा और ये डिफरेंस थोड़ा नहीं है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीचे वाली साइड की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में सबसे जो कम डिवाइस है वो ओप्पो का A7 है अगर आप प्राइस टैग को कंपेयर करें और स्पेशली अगर आप सिर्फ प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात करें। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो वीवो का जो Y95 है उसके अंदर स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर है तो वो ओप्पो से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं शाओमी और नोकिया की तरफ से दो हैंडसेट्स जिनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 636 मिलता है और उसके बाद फाइनली जो टॉप पर हैंडसेट आता है वो हुआवे का Y9 है क्योंकि इसके अंदर आपको किरन 710 का प्रोसेसर मिलता है और ये जो प्रोसेसर है ये हुआवे का लेटेस्ट चिपसेट है मिड रेंज के अंदर। इसके अंदर आपको AI की कैपेबिलिटीज़ भी मिल रही हैं, कैमराज में भी काफ़ी मोड डाल दिए गए हैं और ओवरऑल क्योंकि ये एक लेटेस्ट चिपसेट है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी 40,000 के प्राइस टैग में सबसे बेटर है।
अगली चीज जो कि इन मोबाइल फोन्स के रिलेटेड मैं आपस में कंपेयर करना चाहूंगा वो इन मोबाइल फोन्स के डिस्प्लेज हैं। अब डिस्प्लेज अगर आप ऑन पेपर देखें तो एक ही चीज बता रहे होते हैं कि यार किस डिस्प्ले की रेजोल्यूशन ज्यादा है और किसकी कम है, लेकिन जब आप उन डिस्प्लेज को एक्चुअल में यूज करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिस्प्ले कितना ज्यादा कलर एक्यूरेट है और कितनी ज्यादा उसके अंदर ब्राइटनेस है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी स्क्रीन को यहां पर पकड़कर यूज नहीं कर रहे होंगे, और अगर आप इसको यहां पर पकड़कर यूज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको जो रेजोल्यूशन है उसका फर्क ज्यादा फील नहीं होने वाला। और पर्सनली मैं जब भी डिस्प्लेस को टेस्ट करता हूं मैं रेजोल्यूशन को ज्यादा नंबर्स नहीं देता। अब इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे नीचे वाली साइड पर फोन आता है वो नोकिया का 6.1 प्लस है। ऑन पेपर अगर आप उस डिस्प्ले को देखेंगे तो वो एक काफी सॉलिड डिस्प्ले पैनल है, वहां पर आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन जब आप उस डिस्प्ले को एक्चुअल में यूज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक तो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम है और दूसरा उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां पर आपको जो एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है वो बहुत खराब है। तो अगर आप हल्का सा भी हाथ ऊपर रखते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आपकी स्क्रीन जो है वो एकदम डार्क हो जाती है, तो वहां पर ये जो सेंसर है काफी अग्रेसिव है और बहुत तेजी से लाइट को कम ज्यादा कर रहा होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप अक्सर गेम खेल रहे होंगे, आपका हाथ हल्का सा स्क्रीन पे जाएगा और स्क्रीन बिल्कुल डार्क हो जाएगी, तो वो एक्सपीरियंस को काफी खराब कर देता है। उसके बाद जो डिस्प्ले मैं नीचे वाली साइड से रैंक करना स्टार्ट करूंगा वो आता है वीवो Y95 का डिस्प्ले। अब यहां पर इस डिस्प्ले के अंदर आपको जो रेजोल्यूशन है वो 720p की मिलती है, तो आपको ज्यादा क्रिस्प रेजोल्यूशन नहीं मिल रही, लेकिन मुझे जो इस डिस्प्ले के साथ बड़ा मसला नजर आया वो ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बाकी डिस्प्लेज की निस्बत कम है। अगर आप ओप्पो A7 और वीवो Y95 को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो Y95 का जो डिस्प्ले है वो डेफिनेटली कम ब्राइट है, और अगर आप इसको बाहर कहीं पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये फील आउट भी होगा कि उसके डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ओप्पो के A7 से कम है। उसके बाद मैं ओप्पो A7 के डिस्प्ले को रैंक करूंगा क्योंकि वो एक अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन 720p का डिस्प्ले है तो आपको ज़्यादा जो रेजोल्यूशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। जबकि टॉप एंड पे मैं Xiaomi Redmi Note 6 या Y9 2019 वेरिएंट को रखूंगा, क्योंकि ये दोनों फोन्स ही फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आते हैं और यहाँ पर दोनों ही डिस्प्लेस काफ़ी ज़्यादा कलर एक्यूरेट भी हैं और इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगली चीज़ जो कि इन मोबाइल फोन्स के रिलेटेड मैं कंपेयर करना चाहूँगा वो इनकी कैमरा परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा सेटअप्स हैं वो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलते हैं डिफरेंट हैंडसेट्स के अंदर। अगर आप बात करते हैं ओप्पो की, वीवो की या फिर नोकिया 6.1 प्लस की, तो यहाँ पर आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है उसमें आपको फ्रंट सिंगल कैमरा दे रहा है और बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि हवावे का Y9 और दूसरी तरफ Xiaomi का Redmi Note 6 ये दोनों फोन्स ही आपको फ्रंट साइड के ऊपर भी ड्यूल कैमरा प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेंसर लगाया गया है। अब ये कितना अच्छी तरह से काम करता है वो एक डाउटफुल चीज़ है, क्योंकि पर्सनली मैंने जब इनको इस्तेमाल किया है तो मुझे जो फ्रंट साइड का एक्स्ट्रा लेंस है वो सिर्फ एक एस्थेटिक पर्पस के लिए नज़र आया है, उसका पोर्ट्रेट के अंदर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपर्चर मोड जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो जो फ्रंट साइड पे एक्स्ट्रा लेंस है वो किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। जहाँ तक बात है क्वालिटी की, तो यार क्वालिटी भी डिफरेंट होती है कैमराज के अंदर। कोई कैमरा आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करता है तो कोई पिक्चर क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो मैं इन चीज़ों को ज़रा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इमेज की क्वालिटी की और इमेज की अपील की, तो अगर आप तस्वीरें खींच रहे हैं वहाँ पर जो हवावे का Y9 है वो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो AI की प्रोसेसिंग है वो आपकी इमेज के कलर्स को काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देती है, और ओवरऑल जो उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इनमें से किसी भी कैमरा के निस्बत बहुत ज़्यादा बेटर है। उनका नाइट मोड काफ़ी स्ट्रांग है, इनफैक्ट हवावे का जो नाइट मोड है उसको रिसेंटली गूगल पिक्सल के नाइट मोड के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो उनकी ओवरऑल जो नाइट मोड की टेक्नोलॉजी है वो इन सब कैमराज के निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर है। Y9 जहाँ पर सफ़र करता है वो है उसकी वीडियो परफॉर्मेंस। वीडियो के अंदर आपको Y9 में ज़्यादा कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि Y9 के अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, तो अगर आप वीडियो अच्छी बना भी लेते हैं उसमें कलर्स अच्छे कर भी लेते हैं आपकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा शेकी निकल कर आने वाली है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं सेल्फीज़ वगैरह की, तो वहाँ पर जो ओप्पो और वीवो के कैमराज हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हैं। आपको ओप्पो के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि वीवो जो है वो आपको 20 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रहा है, और डेफिनेटली अगर आप सेल्फीज़ की बात करते हैं तो मैं नंबर वन के ऊपर वीवो Y95 और हवावे Y9 दोनों को रख सकता हूं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसके कलर पसंद आते हैं। Y95 की जो इमेज है वो ज़रा वाइट निकल कर आती है, हवावे की जो इमेज है वो ज़रा कलरफुल निकल कर आती है, तो आपकी अपनी प्रेफरेंस बन जाएगी यहाँ पर। बैक कैमराज की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा में मोड वाइज हवावे का जो कैमरा है वो बाकी सब कैमरा से बेटर है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी वीडियो क्वालिटी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी बुरी है। अब अगर आप लोगों ने वीडियो के लिए ही मोबाइल फ़ोन बाय करना है तो यार हैरानगी होगी आप लोगों को, लेकिन नोकिया 6.1 प्लस
और Xiaomi का Redmi Note 6 जो कि दोनों ही Snapdragon 636 के साथ आते हैं, उन दोनों ही में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है और ओवरऑल उनकी जो वीडियो क्वालिटी है वो सबसे बेटर है। और अगर आप मेरे से एक विनर का बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो क्वालिटी में Note 6 Pro की जो वीडियो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ओवरऑल उसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान Note 6 Pro के ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने मोटरसाइकिल पर जाते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड की है और वहाँ पर भी उसके अंदर जो शेकीनेस है वो नहीं आती। अगली चीज जो कि इन फोन्स के रिलेटेड मैं कंपेयर करना चाहूंगा वो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम और ओवरऑल इनका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि ये सब्जेक्टिव होता है। तो मुझे अगर कोई कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद आता है उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आपको भी पसंद आए। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली अगर वीवो को पहले यूज़ करते हैं आप वीवो की तरफ जा सकते हैं, अगर आप ओप्पो के ऑपरेटिंग सिस्टम को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पसंद आएगा। तो ये सब्जेक्टिव है, आपको जो पसंद आए आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे ओपिनियंस की बात करते हैं तो सबसे सिंपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नोकिया 6.1 प्लस का है, क्योंकि वहाँ पर आपको एंड्रॉयड 1 मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो अपडेट्स हैं वो भी आपको उसी मोबाइल फ़ोन की देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हुआवे, ओप्पो या वीवो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कस्टमाइज्ड हुए हुए हैं और काफ़ी हद तक उसी तरह है जिस तरह वो पहले कंपनीज प्रोवाइड करती थी। तो अगर आपने हुआवे को पहले यूज़ किया है आपको काफ़ी हद तक वैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिनेरियो में आ रही है वो है Xiaomi के रिलेटेड। अब Xiaomi का जो MIUI 10 है वो बहुत ज़्यादा ऐड शो कर रहा है। इनफैक्ट जब आप उसको सेटअप करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपको जो पर्सनलाइज्ड एड्स हैं वो मिलने चाहिए या आपको रैंडम एड्स आएँ। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि एक कंपनी जो कि इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड शो कर रही है, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये सिर्फ ब्राउज़र तक लिमिटेड नहीं है, आपको अपने सेटिंग पेज के ऊपर भी जो एड्स हैं वो शो आउट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मैंने किसी भी बंदे को ये ऐड शो होते नहीं देखे, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। लेकिन जिस तरह सेटिंग की गई है MIUI 10 के अंदर और जिस तरह अभी भी अगर आप फ़ोन को सेटअप करते हैं और आपसे पूछा जाता है पर्सनलाइज्ड एड्स के लिए, तो मेरे ख्याल से शायद इन फ्यूचर Xiaomi पाकिस्तान के अंदर भी जो एड्स है वो शो आउट करने लग जाए। और ये चीज़ इसके जो इंटरफेस वगैरह है उसको काफ़ी नीचे रैंक कर देती है। और पर्सनली अगर इसके अंदर एड्स आ जाएंगे तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो Xiaomi का MIUI 10 इस्तेमाल करे। अगली चीज़ जो कि इन फोन्स के रिलेटेड मैं कंपेयर करना चाहूंगा वो इनकी रैम और रोम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस सेगमेंट के अंदर सारे फोन्स ही 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक मेन चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि अगर आप Xiaomi या Nokia का फ़ोन बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको जो सिम स्लॉट मिल रही है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसका मतलब ये है कि या तो आप दो सिम्स या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। जबकि ओप्पो, वीवो और हुआवे ये तीनों कंपनीज ही आपको फुल फ्लेज सिम कार्ड की ट्रे प्रोवाइड करते हैं, तो आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा अगर आप मेमोरी कार्ड भी यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ड्यूल सिम भी इस्तेमाल होती है। अगर आप इन मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ को आपस में कंपेयर करेंगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो फ़ोन्स हैं वो आपको 4000 mAh या उससे ज़्यादा की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। अब इन लिस्ट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है बैटरी लाइफ के मुताबिक वो ओप्पो का A7 है, जहाँ पर आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है। और क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी इतना पावर हंग्री नहीं है, तो ओवरऑल आपको जो बैटरी लाइफ है वो 1.5 दिन की बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है वीवो का Y95, जिसके अंदर अगेन स्नैपड्रैगन का 439 का प्रोसेसर लगाया गया है, और 439 का जो प्रोसेसर है वो 450 से भी ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहां पर भी आपको डेफिनेटली 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात है Huawei के Y9 और Xiaomi के Redmi Note 6 Pro की, तो ये दोनों फोन्स ही आपको 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। और इनके अंदर अगर आप हैवी यूजेज करेंगे तो आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं और सिर्फ इंटरनेट वगैरह सर्व करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जबकि अगर आप नोकिया की बात करते हैं तो यार नोकिया जो है वो 3000 की रेंज में जा रहा है, 3000 कुछ mAh उसकी बैटरी है। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर आपको जो बैटरी लाइफ है वो डेफिनेटली कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर लोग पूछते हैं वो है चार्जिंग टाइम। और चार्जिंग टाइम की अगर आप बात करते हैं तो Huawei, ओप्पो, वीवो ये तीनों फोन्स आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, जबकि अगर आप बात करते हैं Xiaomi और Nokia 6.1 प्लस की तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको क्विक चार्ज की सपोर्ट तो देखने को मिल जाती है, लेकिन इनके साथ आने वाला जो चार्जर है वो क्विक चार्ज सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आप तेज़ चार्जिंग करना चाहते हैं आपको मार्केट से सेपरेट जाकर चार्जर खरीदना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 500 तक का होता है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगेन आपको मार्केट से एक एक्स्ट्रा चीज़ खरीदनी पड़ेगी अगर आप क्विक चार्ज को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बैटरी वाइज अगर किसी फ़ोन को हमने परफॉर्मेंस में कंपेयर करना है तो सबसे ऊपर ओप्पो का A7 आएगा, और अगर हम चार्जिंग को भी कंसिडर कर लें तो Redmi Note 6 Pro जो है
उसका भी बैटरी लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब अगर मैं एक नॉर्मल यूट्यूबर होता, इंटरनेशनली काम कर रहा होता, तो शायद वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर देता, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ और हर एक पाकिस्तानी कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये सोचता है कि इसको बेचते वक्त इसका क्या प्राइस लगेगा। तो भाई, कहने का मकसद ये है कि अब मैं मोबाइल फ़ोन्स को इस बेस पे कंपेयर करूंगा कि अगर ये मोबाइल फ़ोन आप ख़रीद लेते हैं और इसको कुछ टाइम बाद मार्केट में दोबारा जाकर सेल आउट करते हैं, तो तब आपको क्या प्राइस मिलने वाली है। और ऑनेस्टली, अगर आप ओप्पो, वीवो या हवावे का फ़ोन ख़रीदते हैं, तो उनमें हवावे और ओप्पो की जो रीसेल वैल्यू है वो सबसे टॉप पर है। उसके बाद जो वीवो की वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं नोकिया 6.1 प्लस की, तो वो आ जाता है चौथे नंबर के ऊपर। और अगर आप बात करते हैं नोट 6 प्रो शाओमी की, तो डेफिनेटली शाओमी की जो रीसेल वैल्यू है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कम है। तो अगर आपने इस फ़ोन को ख़रीदना है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप इसको दोबारा बेचने जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको आधे से भी कम प्राइस देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हद तक हर्ट करती है। लेकिन अगेन, शाओमी के जो फ़ोन हैं वो सस्ते होते हैं, और अगर वो खरीदेंगे आप सस्ते, तो जब उनको बेचने जाएंगे तब भी आपको कम पैसे मिलेंगे। वेल, अगर आप लोग मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी फोन्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं या जितने भी फोन्स मैंने आज तक रिव्यू किए हैं, वो सारे ऐसे फोन्स हैं जो कि कंपनीज कुछ सोच के बनाती हैं, और डेफिनेटली उनकी कोई टारगेट ऑडियंस होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये फ़ोन आप खरीद लें या ये फ़ोन आप ना खरीदें। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैंने सब फोन्स को आपस में कंपेयर कर दिया है, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई, और वो ये है कि ये 30,000 से 40,000 की रेंज में है। तो कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको 2-3 हज़ार रुपये की जो प्राइस है वो कम मिलेगी, तो उनमें थोड़े से फीचर्स भी कम हैं, और कुछ में आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 जो है उसकी रेंज के अंदर हमने ये फ़ोन्स डिस्कस किए हैं। तो वो भी देख लीजिएगा कि कौन सा फ़ोन सस्ता है, कौन सा महंगा है। अगर आप मेरी पिक की बात करते हैं, तो मैं अपने लिए जो हवावे का Y9 2019 है उसको परचेज़ करता, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा करनी नहीं होती। मैं नॉर्मली सिर्फ सेल्फीज़ वगैरह के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा मुझे जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा चाहिए। तो Y9 जो है वो हैंड्स डाउन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं उस फ़ोन को परचेज़ करता। लेकिन मैंने फ़ोन्स जो हैं वो कुछ फीमेल फ्रेंड्स को और दोस्तों को दिखाए थे, तो वहाँ पर एक ही वर्डिक्ट आया था कि ओप्पो और वीवो के जो हैंडसेट्स हैं वो देखने में ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये जो टीयर ड्रॉप नॉच है, जो बड़ी वाली नॉच होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। और इसी वजह से इन फ़ोन्स को जो ओवरऑल रिप्यूट है डिज़ाइन वाइज, वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो अगर आप डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप वीवो या ओप्पो की तरफ जा सकते हैं। पर्सनली मैं आपको वीवो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन भी मुझे ज़्यादा पसंद आया है, इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू भी थोड़ी सी कम है। तो जब आप इसको बेचेंगे वहाँ पर भी आपको नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है फ़ोन को ख़रीदने से पहले। इसके अलावा ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी फ़ोन्स मैंने यहाँ पर शो आउट किए हैं, उन सब के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ पहले से, तो आप YouTube कार्ड पे उनको चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। नोटिफिकेशन को जरूर टर्न ऑन कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।